எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸினும் സ്വാഗதம் பாட்டாலி மக்களின் இரத்தத்தை ஊறிய சைத்தான்கள் கதிரேசன் மூணார் நீங்க தமிழா சார் எம்ப்ர பாண்டி சார் பாண்டியோ எல்லாரும் நம்மள பார்த்து சிரிக்கிறாங்க உன் சேச்சி மட்டும் என்ன ஒரு லவ்வோட பாக்குதே என்ன सोली बट तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और जबरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक, एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जेबी पराकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलियानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए दोनों के दरमियान मज़ीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को बाईस मार्च दो को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरम्यान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धार के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी पी भी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे वी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी भी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और जबरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जेबी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलियों और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और जबरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल खराब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ की एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओं और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे वी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमिया लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धार के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलियों और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी भी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जेबी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलियों और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मज़ीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गत आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को बाईस मार्च दो को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ की एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओं और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे वी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरम्यान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम रहती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों में होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी पी वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और जबरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जेबी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मज़ीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और जबरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी परकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मल्यनी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धार के साथ साथ कत्लो गत आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को बाईस मार्च दो हज़ार चौबीस को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरम्यान मज़द फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गत आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ की एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता भाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओं और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो कत्लों गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे वी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धार के साथ साथ आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी भी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और जबरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी परकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जेबी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलियों और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए दोनों के दरमियान मज़ीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर इस ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी परकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामली और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मज़ीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को बाईस मार्च दो को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वीपीवी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को बाईस मार्च दो को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओं और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मज़द फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो गत आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कम्प्लीट किया था और इस फिल्म को बाईस मार्च दो को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोगों को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ की एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एक एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोग को जे बी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी पी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओं और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो कत्लों गती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को ये भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़ुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे वी प्राकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकटेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चले कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाईजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरम्यान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लों आम होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फ़िल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नजर आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फ़ायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धार के साथ साथ कत्लो कत्लों होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा जुबानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम साउथ के एक और ज़बरदस्त और बहुत जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेबल ये एक एक्शन एडवेंचर के साथ साथ एक ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जे बी प्रकाश देखने को मिलेंगे उसके साथ ही फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को ममिता बाइजू देखने को मिलेंगी जो कि एक मलयालम होती है और हीरो तमिल की तरफ से आया हुआ होता है और साथ ही आदित्य बाकाश भी इस फिल्म में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे एक और अहम नाम वंकतेश वी इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है अगर दोस्तों इस फिल्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म की कहानी के मुताबिक हीरो जिस कॉलेज में पढ़ता है वहाँ मलयामलीओ और तामलों के दरमियान बहुत लड़ाई और मुकाबलेबाजी चलती है ऐसे में हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि तमिल से नहीं होती बल्कि वो एक मलयानी होती है और कॉलेज में दोनों लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फसाद नहीं होता कि जिससे कॉलेज का माहौल ख़राब हो दोनों के दरमियान लड़ाई मजीद पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ जाती है सियासतदान अपने फायदे के लिए दोनों के दरमियान मजीद फूट पड़वा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फसाद मार धाड़ के साथ साथ कत्लो होती है कई लोग जख्मी और बहुत से लोग जान से जाते हैं जिससे सियासतदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है तो दोस्तों इस फिल्म का एंड देखने के लिए आपको जरूर फ़िल्म को देखना पड़ेगा तो दोस्तों अगर ज़बरदस्त एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको निकेश ने डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को यह भी बताते चलें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट का काम भी निकेश ने ही कंप्लीट किया था और इस फिल्म को 22 मार्च 2024 को इंडिया के तमाम बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाना है और दोस्तों ये फिल्म बहुत जल्द आप लोग को हिंदी डबिंग में भी देखने को मिलेगी इसको एक से ज़्यादा ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा और इस फिल्म की अगर प्रोडक्शन कंपनी की बात कर ली जाए तो स्टूडियो स्क्रीन की तरफ से इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है थिरु कुमार एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी में इसको प्रोड्यूस करने में शामिल है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर